चले गए, तीन चार साल हमारी बिरयानी में खाए, लेकिन जब पुलवामा में अटैक हुआ, भारत के सेना ने पाकिस्तान को उसके घर में घुस करके 400 आतंकवादियों को अड्डों को नष्ट करने का काम किया। और केवल अड्डे ही नष्ट किए, अभिनंदन के बारे में बताया आपको, 56 इंच सीने वाले प्रधानमंत्री जी की ताकत थी कि सकुशल अभिनंदन को वापस लाने का काम किया। तरह तरह की चर्चाएं, धारा 370 के बारे में कौन सोचता था, रामलला के मंदिर के बारे में कौन सोचता था। हमारे पत्रकार मित्र भी पूछते थे, बीजेपी हर बार अपने एजेंडे में रामलला का मंदिर 370 रखती क्या होगा। लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, लेकिन बीजेपी तारीख नहीं बता रही है। आज तारीख भी बता दी, 2024 के जनवरी के मध्य भाग में प्रभु राम का भव्य मंदिर माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों देश के प्रदेश के लिए खोल दिया जाएगा। धारा 370 समाप्त हो चुकी है। माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी ने जब सदन में घोषणा की तो कश्मीरी अलगाववादी नेता कहने लगे कि खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन मैं आभार प्रकट करता हूं माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, कि मच्छर के बराबर भी खून नहीं गिरा। देश के 370 पूरी तरह से निष्प्रभावी हो गए। हमारे पूर्वज, हमारे अग्रज, जिनकी कल हम धूमधाम के साथ जयंती मनाएंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था कि इस देश में दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे। आज देश में भारत माता का झंडा जैसे जौनपुर में लहरा रहा है तिरंगा, वैसे कश्मीर की सभी सरकारी भवनों पर तिरंगा लहराने का काम कर रहा है। यह है ताकत बदलता हुआ भारत। इसलिए मैंने जौनपुर के मित्रों आपके बीच में कहने के लिए आया, 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के कमल को एक तरफा वोट मिलना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कुकृत्यों से जनता ऊब चुकी है, समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार कदाचार से जनता ऊब चुकी है। मैं अपने यादव समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, जब जब सपा सत्ता में आती है तब तब एक परिवार से 18-18 एमपी एमएलए ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं। यादव बिरादरी का दूसरे परिवार का नंबर नहीं आता है। आपको सोचना होगा और भारत माता के लिए झंडा उठाकर कमल का सबसे आगे चलना होगा। इसलिए मित्रों मैं कहने के लिए आया, इस बार तो स्थानीय निकाय चुनाव में अद्भुत निर्णय हुआ है। 54 सदस्य हमारे अल्पसंख्यक समाज के जीत करके स्थानीय निकाय क्षेत्रों से आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, आज धरातल पर फलीभूत हो रहा है। इसलिए मेरे मित्रों मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि जौनपुर लोकसभा सीट पर कमल का झंडा लेकर के हम सबको चलना है, कमल का बटन दबाना है और सभी विपक्षी दलों की जमानत जब्त कराते हुए कमल को आसमान की बुलंदियों की ओर पहुंचाना है। 2024 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी के गले में प्रचंड बहुमत की तीसरी बार सरकार बनेगी, जब उनके गले में एक बड़ा माला डाला जाएगा, तो जौनपुर का एक कमल माननीय प्रधानमंत्री जी के गले में जरूर विराजमान होगा। यह भरोसा मैं लेने के लिए आपके बीच में आया। मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। भारत माता के, भारत माता के।